लंबी स्किन डिजीज से पीड़ित गौवंश को राहत एवं उपचार देने के लिए हर चिकित्सा पद्धति से उपचार किया जा रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा गौवंश को उपचार कर राहत दी जा सके। अब सरकारी आदेशानुसार होम्योपैथी विभाग द्वारा भी उक्त उपचार दिया जा रहा है। राजकीय होम्योपैथी चिकित्सालय ब्यावर के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत की देखरेख में ब्यावर गौशाला एवं SDM प्रशासन द्वारा स्थापित आइसोलेशन सेंटर पर पीड़ित गौवंश का उपचार जारी है। डॉक्टर रावत ने बताया कि उपचार के तहत गायों को होम्योपैथी दवाई थूजा तथा मैरक्सोल लक्षण अनुसार पिलाई गई है। उन्होंने बताया कि विगत दिनों जिन बछड़ों को मैरक्सोल दी गई उनका बुखार कम हुआ तथा वह स्वस्थ नजर आए। कैलेंडुला इचिनेशिया का स्प्रे घावों पर कराया तथा इचिनेशिया ऑइंटमेंट से ड्रेसिंग कराई गई। इसके अलावा अल्फा क्यू चाइना 30 कॉर्बोवेज 30 भी उपलब्ध करवाई गई है तथा गायों के लक्षण के अनुसार दिए जाने की जानकारी दी गई। आइसोलेशन सेंटर पर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रावत के निर्देशन में चिकित्सालय के कंपाउंडर रामराज मीणा और स्वयंसेवक द्वारा होम्योपैथी मेडिसिन दी गई। इस दौरान यशपाल शर्मा, चैतन गहलोत तथा कनक ने सहयोग प्रदान किया। आगामी 15 दिवस तक सभी रोगी मवेशी को फॉलोअप किया जाएगा तथा रोगानुसार दवा उपलब्ध कराई जाएगी। हाथों में सोने के कंगन और गले में हीरो का हार, कृष्णा ज्वेल्स का लेटेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन त्योहारों में करे आपका सच्चा श्रृंगार। 3 से 5 अक्टूबर तक ग्रैंड एग्जीबिशन एंड ज्वेलरी पर स्पेशल ऑफर्स एंड शॉर्ट गिफ्ट्स के लिए विजिट कृष्णा ज्वेल्स, होटल राजमहल प्रीमाइसेस ब्यावर, TNC अप्लाई। हाथों में सोने के कंगन और गले में हीरो का हार, कृष्णा ज्वेल्स का लेटेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन त्योहारों में करे आपका सच्चा श्रृंगार। 3 से 5 अक्टूबर तक ग्रैंड एग्जीबिशन एंड ज्वेलरी पर स्पेशल ऑफर्स एंड शॉर्ट गिफ्ट्स के लिए विजिट कृष्णा ज्वेल्स, होटल राजमहल प्रीमाइसेस ब्यावर, TNC अप्लाई।